गाइस वेलकम, सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और भाई आज हम फिर से खेल रहे हैं GTA 5 स्टोरी। फिलहाल हम अभी फिलहाल कर रहे हैं माइकल की स्टोरी कर रहे हैं, क्योंकि भाई लास्ट वीडियो में जैसे कि पता होगा गाइस कि हम गए थे डेव के पास, जो कि FBI का एजेंट था। FBI जो भी इसमें मतलब अलग तरीके से मतलब नाम ले रखा है, तोड़ मोड़ के मतलब बना रखा है। FBI वैसे रियल में है, जो अमेरिका में पुलिस विभाग है, और इसमें है FIB, ठीक है, मतलब वही उसी से लिया हुआ है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं भाई डेव के पास, जो कि जैसे कि आपको पता होगा मार्क लगा के FBI के ये एजेंट्स हैं, ये अधिकारी हैं। तो हम इसके पास जा रहे हैं, डेव के पास, और भाई लोकेशन पे पहुंच चुके हैं फिलहाल। तो चलो गाइस पहुँचते हैं। और गाइस जैसे कि लास्ट वीडियो में पता होगा हम डेव के पास गए थे, उसने हमारे सर पर कुछ मारा था, और भाई हम चले गए थे सीधे हेडक्वार्टर के अंदर, और हमें ढूंढना था भाई कैरी मॉब करके एक बंदा है, उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन आई थिंक करनी है FBI वालों को। तो भाई इसको ढूंढना था, लेकिन वो मुर्दा घर में नहीं था, तो वहाँ से हम जान बचाए कैसे भागे। जिसने नहीं देखी वीडियो जाके चेक कर जरूर करो। फिलहाल भाई हम पहुँच चुके हैं लोकेशन पे, और भाई चलो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या होता है। फिलहाल तो इनके अलग ही ऐसे चल रहे हैं गाइस। ये सब जो भी हैं, ये सब अधिकारी हैं FBI के। तो चलो Andreas, taking notes. This stuff. Whoa, pure magic. ये अंदर बहुत हरामी है भाई। You should put it on my show. Have you seen my show? ये सब गाइस अधिकारी हैं, ये FBI के बड़े अधिकारी हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे माइकल की बातचीत कितनी ऊपर तक है। लेकिन ये सब माइकल इन सब के लिए काम करता है, जो भी इलीगल काम करता है माइकल, वो इन सब के लिए एक्टिंग करता है। ये डेव है हमारा, इसने हमारे सर पे मारा था भाई, और हम पहुंच गए सीधा मुर्दा घर। Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? The joke's not now, pal. You will show बहुत हरामी बंदा है। Some respect. Maybe you could define team for me. Is that just the three of you, or the greater FIB, or the entire government? Because I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. And why didn't you start with me, genius? You got it, pal. भाई देख रहे हो इस बंदे को, भाई साहब, भाई. माइकल कुछ है ही नहीं। Mr. K at the local agency station. I just dealt with that guy. The agency is stepping up their questioning because of your moronic antics down at the corner's office. यहाँ पे आपको पता है क्या चल रहा है, गाइस? ये FBI के मतलब काफी बड़े अधिकारी हैं, ठीक है? और ये यही बोल रहा है कि भाई जो IAA करके एक विभाग है, पुलिस विभाग आई थिंक हो सकता है इसके अंदर जो भी है, ठीक है? तो भाई उसको पकड़ना है, जो कि FBI के बस्ट जो काम होते हैं उसके बारे में उस बंदे को जानकारी है। तो वो इनको चलाया पता है FBI के ये बड़े एजेंट्स हैं, तो उनको पता चला है कि वो जो फर्डिनेंड कैरीमोव करके जो बंदा है, जिसको हम वहाँ मुर्दा घर में ढूंढने गए थे, वो बंदा है भाई IAA बिल्डिंग में। भाई तुम्हें जाना है वहाँ पे। तो भाई फिलहाल तो उसने मना किया था, लेकिन भाई ये बड़ा अधिकारी था, उसने बोला तुझे जाना ही पड़ेगा। तो भाई अब हम जा रहे हैं फिलहाल भाई डेव के साथ, और भाई हमें निकलना पड़ेगा। लॉस सैंटोस में जाना है अभी हमको, जो कि FBI का गोदाम है, वहीं पे जाना है फिलहाल अभी हमको। और भाई ड्राइवर तो हम हैं यार, शुरू से भाई ड्राइवर हम ही रहे हैं, मुझे तो पता है भाई, ये तो गेम के अंदर हम ही ड्राइविंग करेंगे। और भाई वही सब बातें होती हुई जा रही हैं यहाँ पे भाई, ये तगड़ा मिशन होने वाला है गाइस। और भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई इसमें ना अब आने वाला है भाई, हमारा ड्राइवर भी आएगा, और भाई फ्रैंकलिन, ये तीनों एक साथ मिलकर कोई धमाल होने वाला है, और बहुत तगड़ा धमाल होने वाला है गाइस। मुझे तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। चलो भाई, अरे भाई साहब हम तो ड्राइवर ही बन के रह गए हैं, भाई साहब इनकी गाड़ी चलाते हैं। चलो लेट्स गो। आई थिंक अब हमें जाना कहाँ पे गाइस? मीटिंग पॉइंट पे। वो मीटिंग पॉइंट वही है, लॉस सैंटोस का FBI का गोदाम है वो, तो वहीं पे भी हमको जाना है। तो चलो भाई फटाफट से पहुँचते हैं, और भाई बिना किसी देरी के यार, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, फटाफट से पहुँच के। और भाई मिशंस के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और भाई अभी हम फिलहाल फ़ोन कर रहे हैं भाई फ्रैंकलिन को, हमारे फ्रैंकलिन लॉन्डे को, उसको भाई बुलाएंगे। फिलहाल हम जिस लोकेशन पे मे बी हम जा रहे हैं, आई थिंक फ्रैंकलिन तो रेडी रहता ही है माइकल के लिए, हमेशा रेडी रहता है माइकल के लिए, कभी मना नहीं करता है माइकल को भाई, कोई भी मिशन हो, कोई भी काम हो, तुरंत पहुँच जाता हूँ भाई। माइकल भाई देख रहे हो बातचीत, देख रहे हो भाई बहुत भ्रष्ट, मतलब इसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल गाइस यही चल रहा है कि
जो एफबीआई के जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब करप्ट लोग हैं, तो इन्होंने कुछ गलत सलत काम किए हैं जिसमें भाई इन सब का हाथ है। माइकल है, ट्रेवर है, ये पुराने बहुत पुराने भाई बंदे हैं, तो इन सब का हाथ है। तो वही इनलीगल काम के बारे में उस बंदे को पता है जिसने जिसको हम ढूंढने गए थे उस मुर्दा घर के अंदर, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं IAA बिल्डिंग को, आई थिंक हम मुझे लग रहा है कैसे भाई बिल्डिंग के अंदर जाके उस बंदे को लेके आना है और भाई उस बंदे के साथ हमको एस्केप करना है पुलिस वाले से बचते बचाते हुए। बहुत तगड़ा मिशन भाई मुझे तो फिलहाल ये लग रहा है भाई, ये बहुत तगड़ा मिशन मुझे अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है। और भाई देखते हैं क्या होने वाला है। और आई थिंक भाई डेव यही बोल रहा है कि वहाँ पे भाई माइकल भी आ चुका है, सॉरी ट्रेवर भी आ चुका है। तो ट्रेवर आई थिंक लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और आई थिंक सामने भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ट्रेवर और भाई माइकल दोनों ही खड़े हुए हैं। ट्रेवर और सॉरी फ्रैंकलिन ये आ गया भाई, भाई भाई ये बंदा भाई बहुत खतरनाक है भाई। ट्रेवर इसके साथ मिशन करना मतलब बहुत बड़ी बात है यार भाई, ये कर देगा भाई फ्रैंकलिन की ऐसी Hey, listen. If you want to replace some father figure, bhai, you a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. ये ट्रेवर है और ये मेरा बेटा है, ये तेरा बेटा है। ओह भाई, क्या चल रहा है? That's Trevor, my best friend. That's bhai. Franklin, the son I always wanted. देखो गाइस, बात यही हो रही है, ये प्लानिंग बन रही है कि भाई हमारा जो ट्रेवर है वो चलाएगा हेलीकॉप्टर, ठीक है? और भाई जो हमारा क्या नाम है भाई हमारा जो माइकल है वो भाई चेंज करके आएगा उसके लिए कुछ कपड़े, ठीक है, क्योंकि इसे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है भाई। बिल्डिंग के ऊपर से रस्सी से होता है रोप से नीचे उतर के उस बंदे को पिक करके भाई हेलीकॉप्टर में लेके भागना है, क्योंकि हेलीकॉप्टर सामने खड़ा हुआ है हेलीकॉप्टर। और जो हमारा भाई फ्रैंकलिन है वो भैया हमारे करेंगे स्नाइपिंग, ठीक है भाई। चलो भाई फटाफट से हमको भाई तगड़े सीन होने वाले हैं यहाँ पे। The government gimp at last. चलो भाई वो ट्रेवर उड़ाएगा, मतलब हम ही उड़ाएंगे, ट्रेवर तो हरामी है ही भाई। दोनों भाई बैठ चुके हैं और भाई अब हम जाने वाले हैं सीधा IAA बिल्डिंग के ऊपर उड़ेंगे। और भाई साहब बहुत तगड़ा सीन भाई, ये भाई मिशन भाई मस्त होने वाले हैं। जैसे जैसे स्टोरी गाइस आगे बढ़ रही है वैसे वैसे भाई मिशंस बहुत तगड़े होते जा रहे हैं। और ये तीनों मिलके भाई ये बहुत तगड़े वाले मिशन हैं ये गाइस, तीनों के तीनों जो मैंने अब तीन या चार जो भी पार्ट आने वाले हैं, एक तो हमने कर दिया है, एक ये सेकंड पार्ट हम जो कर रहे हैं अब, आई थिंक इसके बाद देखते हैं क्या होना है मुझे नहीं पता। लेकिन ये वही तीनों एक ही स्टोरी के पार्ट हैं, काफ़ी लंबी स्टोरी आती है इसलिए मैंने पार्ट पार्ट करके बनाया है। फर्स्ट स्टोरी में मुर्दा घर गए थे उस बंदे की मतलब शिनाख्त करने, मतलब उसको आइडेंटिटी करने कि भाई वो बंदा मरा है कि नहीं मरा है, लेकिन वो नहीं मरा था। वो बंदा IAA जो है उनके पास है, वो भी एक आई थिंक पुलिस बल है, तो हम उनके पास जा रहे हैं। अब उस बंदे को उस बिल्डिंग से भाई उस बंदे को उस बिल्डिंग से किडनैप करेंगे, मतलब किडनैप ही मान लो। और भाई साहब क्योंकि भाई जो माइकल के पीछे जिसका हाथ है देख रहे हो भाई, हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर सब दे दिया है भाई। ये IAA बिल्डिंग जैसे कि तुमको दिख रहा होगा, इस बिल्डिंग पे हमको लैंड करना है भाई, देखते हैं क्या होने वाला है। भाई साहब ये सीन क्या है, देख रहे हो भाई ड्राइवर को देखो, तगड़ी बात की। चलो भाई अब हमारे हाथ में कंट्रोल फिर से, अब माइकल के हाथ में माइकल के आ चुके हैं, ठीक है भाई। ये ऐसे रूप को बहुत लॉन्ग छोड़ेगा, ठीक है। तो लगभग भाई देख रहे हो भाई साहब ये कितना रिस्की काम है, ये रियल लाइफ में अगर ऐसा हो तो भाई साहब क्या पता भाई, मूवीज़ वगैरह और गेम्स में तो आजकल ऐसा सब कुछ होता ही है, क्या रियल लाइफ में आजकल इतना करना मुश्किल नहीं है। और ये रहा वो बंदा भाई, ये IAA के एजेंट है। और भाई साहब इसको भाई इससे कुछ वो निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि बता भाई FBI के बारे में बता, जैसे कि होता है ना कि FBI से ऊपर है ये पुलिस बल, तो मे बी शायद ये हो सकता है कुछ ना कुछ। चलो देखते हैं लौंडो इसके बारे में भाई, जानते हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं भाई, इसकी हड्डियाँ लाल कर रहे हैं भाई साहब मार मार के, कि बता भाई बता कौन कौन जुड़े हुए हैं, किस किस का नाम है बता, उन अधिकारियों का नाम बता बता कौन इस चीज़ के पीछे। और भाई हमारी एंट्री हो चुकी है और भाई साहब देख रहे हो ओ भाई, ये स्विच करने का ऑप्शन आ रहा है आई थिंक मे बी, ये फ्रैंकलिन को स्विच करना है हमको, ओके। ओ भाई स्नाइपिंग, ओ लेट्स गो भाई साहब, देख रहे हो भाई क्या तगड़ी प्लानिंग है भाई, क्या खतरनाक स्विच हुआ है
एकदम से सामने की तरफ हमारा माइकल है और फ्रैंकलिन में स्विच हो गया और हम स्नाइपिंग कर रहे हैं, इनको उड़ाना है हमको भाई। फ्रैंकलिन को अभी प्लान मतलब एज ए स्नाइपर हमको फ्रैंकलिन मिला है और भाई अब हमको माइकल को ईजिली निकलवाना है कवर करते हुए। और लेट्स गो, एक और बंदा गया ही। अब हमको आई थिंक माइकल पे स्विच करना है, आई थिंक माइकल पे करना है। एक मिनट पहले एक आध गोर मार लेते हैं। चलो भाई माइकल पे स्विच हो चुका है गाइस और भाई अब माइकल से हमको मारना पड़ेगा। उठा भाई ड्राइवर गधे, एक मिनट रुकेगा, एक आध बंदे को मारना है शायद मे बी क्लियर करने के लिए। भाई देख रहे हो इतनी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर बंदा एक चढ़ गया और कैसे बंदे को बांध लिया है, अपने ऊपर हुक कर लिया इस बंदे ने। और ये गधा भाई क्या कर रहा है ड्राइवर भाई, बांध ऊपर उड़ा क्यों था, आई थिंक पूरा क्लियर करना पड़ेगा। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। अब भाई हमारा काम करेगा बाकी ड्राइवर, ड्राइवर ने ऊपर खींच लिया। और ये क्या भाई देख रहे हो भाई, ये तीन हेलीकॉप्टर आ चुके हैं भाई। अभी फिलहाल माइकल्स भाई, माइकल तो उसके अंदर बैठ गया, ठीक है ये वाला प्लेन माइकल का है, ठीक है। अब ये तीन प्लेन आ रहे हैं, इसको आई थिंक हमको लग रहा है कि इनको उड़ाना पड़ेगा, लेकिन तीनों का तीनों कैसे उड़ा पाएगा स्नाइपर से यार, तो बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को। चलो फिर भी देखते हैं, फाइनल करते हैं भाई, काफ़ी अभी दूर है प्लेन। आई थिंक ड्राइवर को मार दें तो ईजी हो जाएगा मे बी। ये कौन है भाई, ऐसे ये रहा पास में ही है, अरे भाई मर जा। चलो एक गया, एक गया, एक गया गाइस, लेट्स गो। आई थिंक स्विच करना है, हमको स्विच करना है, दोनों डेंजर में आई थिंक, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई, बंदे तो है नहीं। लेट्स गो, चलो स्विच कर लिया है, हम आ गए माइकल के हाथ में, हमारा मतलब आ गया कंट्रोल्स भाई। बहुत तगड़ा भाई साहब, क्या भाई जीटे की स्टोरी भाई, भाई भाई कौन कहता है भाई, जीटे तो अलग ही लेवल है ब्रो। देख रहे हो भाई साहब का खतरनाक प्रोफेशनल तरीके से बातचीत चल रही है भाई, और तीन बंदे ही अंजाम दे रहे हैं इस मिशन को। देख रहे हो भाई, माइकल, ट्रेवर, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने एज ए स्नाइपर भाई काम किया, ऐसा काम आई थिंक ये भी हो चुका है, मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई वहीं तक काम था उसका। और भाई अब ट्रेवर और ये बचे हैं, तो भाई देखते क्या करना। ओ भाई ये भी गया हेलीकॉप्टर, लेट्स गो। चलो भाई अब हम ट्रेवर पे शिफ्ट कर सकते हैं। चलो भाई साहब, चलो भाई साहब, आई थिंक ये वाला मिशन भी आई थिंक हमारा हो गया है बेबी, मुझे ऐसे ही लग रहा है। चलो भाई, भाई साहब भाई मिशन भाई, अगर तुम्हें गाइस मज़ा आया, छोटा सा मिशन था, ठीक है ज़्यादा छोटा भी नहीं था लेकिन काफ़ी टफ था गाइस, अगर करोगे तो चलेगा पता, लेकिन भाई बड़ा मज़ा आया भाई। अब हमारे हाथ में ये आ चुका है, फिलहाल ये बोल सकते हो कि एक स्टोरी का एक पार्ट है, जिसमें भाई हम इस बंदे को लेके आए हैं, जिसको भाई बहुत कुछ पता है, भ्रष्ट कामों के बारे में पता है, करप्शन के बारे में पता है, FBI के लोगों के बारे में। तो भाई ये बंदा, अब इससे हमको जानकारी मे भी निकालनी पड़ेगी, या FBI के एजेंट निकालेंगे वो मुझे नहीं पता, भाई देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कभी भी क्या आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो भाई अभी फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं इसको लेके FBI भाई गोदाम में, ठीक है FBI गोदाम में ले जा रहे हैं उसको, वहाँ पर जाके देखते हैं वहाँ क्या होने वाला है, जो भी होने वाला है देखते चलेगा पता। फिलहाल तो हम जा रहे हैं गोदाम में, और भाई भाई साहब इस बंदे को पूरी जानकारी है, क्योंकि उसको पता है कि भाई आई थिंक ये मे भी शायद FBI का कोई एजेंट होगा, तो ये शायद होता है ना कि बंदा भाई मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं सब काम होने वाला नहीं हूँ, तो मैं सब कुछ बता दूंगा, तो भाई सब कुछ हो सकता है। तो भाई देखो शायद उसको मार देंगे या फिर देखते हैं कुछ ना कुछ तो होने वाला है, जो भी होने वाला है। जिसको FBI के सारे काले कारनामों के बारे में पता है, या तो इसको पता है या फिर शायद कोई इसके पीछे है उसको पता है। तो चलो ये फाइंड आउट करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो मेरे हिसाब से भाई वीडियो को यहीं पर रखना चाहिए, ये वाला मिशन हमारा हो चुका है। पहली बार जो भाई तीनों ट्रायो बंदों की भाई जो ओहो भाई एंट्रीज हुई है खतरनाक मिशन के साथ हुई है गाइस। और भाई ट्रेवर भाई फिलहाल मैंने फर्स्ट टाइम देखा इतना शांत बंदा, ठीक है ज़्यादा कुछ किया नहीं इस बंदे ने, बट मज़ा आया भाई फिलहाल तो बहुत मज़ा आया। अगर तुम्हें मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, आई नो भाई चैनल पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं ना, कोई भाई देखता है हमारी वीडियो, गरीबों की वीडियो कौन देखेगा भाई, सब तो बड़े लोगों की देखते हैं। आई नो ये पुराना गेम भी है, ठीक है भाई, जितने लोग भाई मुझे फिलहाल सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच यार, ऐसे सपोर्ट करते रहो यार। और भाई मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे और भी वीडियोज़ लेके आने के लिए, बहुत सारे गेम्स भी नए नए खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, बस तुम सपोर्ट बनाए रखो यार। तो चलो गाइस फिलहाल के लिए वीडियो को इतना रखते हैं, हमारा मिशन ये सक्सेसफुली हो चुका है, और भाई इसका नेक्स्ट पार्ट मैं भाई कल ही लेके आ जाऊँगा बस, क्योंकि भाई ये स्टोरी एक ही मतलब बोलते हो एक ही सुई धागे जैसी स्टोरी है, तो अब देखते हैं कि क्या होना है। फिलहाल तो भाई हमने उस बंदे को हेडक्वार्टर में दे दिया है, और भाई फिलहाल अगर तुम्हें मज़ा आया हो फिर से बोल रहा हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दो भाई, एंड शेयर भी कर दो यार। चलो भाई इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।